अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी सुबह सुबह 7:30 बजे का टाइम है और मैं तैयारी में लगा पड़ा हूँ। आज लंबा सफ़र करना है तो अब मैं बताता नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, तो साथ साथ सफ़र मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है जी, मेरे सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जी अभी सफ़र की शुरुआत हो गई है, नवाबशाह पहुंच गए हैं। अभी कुछ ख़रीदारी करनी है, 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक देखें आधा बाज़ार बंद पड़ा है। ये नवाबशाह के लोग भी जो है वो कराची वालों की रिस्क करने लग गए हैं। कराची में देर से बाज़ार खुलता है, तो अभी ये नवाबशाह के लोग भी देर से बाज़ार खोलने लग गए। भाई इस दुकान पर आया हूँ जूते ख़रीदने। अब जूते पसंद आए, देखें सौदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, अगर बन जाए सौदा तो। और इस दुकान पर रेट बहुत अच्छे होते हैं, ये रेट मुनासिब लगाते हैं, तो उम्मीद है जो ना बन जाएगी बात। ये भाई जो ना सही मुनासिब रेट से दे दे तो मैं ले लूँ इनको। ये वाले जूते पसंद आए, अभी देखें भाई से बनने की कोशिश करते हैं कि अगर भाई सौदे में बन जाए तो। भाई 1000 रुपये मांग रहे हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ 700 ले लो। ये बोल रहे हैं 700 तो मेरी ख़रीद भी नहीं है। भाई यार सही सही लगा ले यार, थोड़ा जायज़ मना। भाई ये तकरीबन हमारा को 750-800 की पड़ती है, 100-150 रुपये हमारा दुकानदार का जो हक होता है वो जायज़ जो है वो लेते हैं। वैसे हमने इसको 1400 भी बेचा है, 1300 भी बेचा है, जो आज बिल्कुल आपको मुनासिब रेट लगा रहे हैं। चलो आप जायज़ रेट लगा, आप मेरे से खरीद कीमत में एक जो है ना ये समझो कि जो है ना ये खुद पहन लिए, कोई मसला नहीं। आप जैसे ही ठीक है, ये भाई से 800 रुपये में बात तय हो गई है। ये अभी ले लेते हैं क्योंकि ये जो मैंने पहने हुए हैं ये बहुत चले हैं, लेकिन ये अभी टूट गए हैं। जूते तो ख़रीदे गए, अब चलते हैं आगे मंजिल की तरफ। रेलवे स्टेशन पे गया था मालूम किया, लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही हैं, अब कोई बाय रोड सफ़र करना पड़ेगा। रेलवे लाइन क्रॉस करनी है, लेकिन इसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर के जा रही है। चलेंगे, मालगाड़ी गुजर गई, अभी पटड़ियाँ खाली हो गई हैं, लाइन को अबूर कर लेते हैं। अब जी 70 की गाड़ी में बैठ गया हूँ, 10 मिली है कोच, और सीट वगैरह पूरी पार्किंग वगैरह पर रश बहुत ज़्यादा है, और ये गाड़ी के आगे ड्राइवर के साथ सीट पर बैठने की जगह मिली है। यहाँ से चलो आगे का रास्ता सही नज़र आएगा, बैठने का ये फ़ायदा तो है। सफ़र का आगाज़ हो गया है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से सफ़र से, देखें अभी कितनी देर में पहुँचेंगे। गर्मी बहुत है, नान ऐसी गाड़ी है और पसीने पसीने पूरा। ये जी हरी मीरवा का इलाका है, और ये रोड सारा ब्लॉक है, रोड के ऊपर पानी, अभी तक कब बरसातें हुई थी और अभी तक रोड के ऊपर पानी है सारा। लोग देखें कैसे पैदल पानी में से गुजर के आ रहे हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं, अभी यहाँ पर फंस गए हैं। देखें अभी कितनी देर में यहाँ से आगे गाड़ी निकलेगी। जिधर देखें पानी ही पानी है, लोग आने जाने वाले देखें कितने परेशान हैं। 2-3 किलोमीटर रोड पे बता रहे हैं कि पानी ही पानी है, और लंबी लाइनें देखें गाड़ियों की लगी हुई हैं। अब यहाँ से देखें किस टाइम जाके रास्ता खुलेगा। अभी तो यहाँ पर फंस गए हैं भाई, आगे जाने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं क्या बनता है। छोटी गाड़ियों वाले तो बेचारे यहाँ से वापस लौट रहे हैं, कोई मुतबादल रास्ता है इधर उधर से, देखें कब जाके रोड खुलेगा। इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी कोई और जा रहा नहीं है। कुछ थोड़ा सा साया मिला है या गाड़ी वाले ने खिड़की खोली है, इसके साए में बैठ गए हैं, अभी कुछ भूख से बच गए हैं।
क्या करें, बहुत धूप है, गर्मी है, इधर तो पानी पीने का नहीं है, ऐसी जगह पे बंद हो गया। गलती की पानी की बोतल ले लेते हैं, वही अच्छा लगता है। देखें ये लोग कैसे इस पानी के अंदर से गुजर के अपने घरों तक जाते हैं और फिर वापस इसी पानी के अंदर से रोड तक आते हैं। अभी मेरे सामने से यहाँ से दो लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, गर्दन सिर्फ नज़र आ रही थी, बाकी सारे के सारे पानी में डूबे हुए थे। इन खजूर के दरख्तों को देखकर आप बखूबी पहचान गए होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ पर पहुँचा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं अभी खैरपुर पहुंचा हूं। और ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, खजूर के दरख्त, यहां पर बड़े से बड़े दरख्त फल देते हैं और छोटे से छोटे दरख्त 1.5 फुट से 2 फुट का पौधा फल देता है। और यहां की खजूर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खजूर यहां पर सखर में पाई जाती है। और यहां पर जो खजूर पाई जाती है, वो खजूर की पैदावार इतनी होती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरून पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करती है, बल्कि बैरून ममालिक में भी ये खजूर एक्सपोर्ट की जाती है और पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला इसके बदले में मिलता है। रात के 10 बजे और मुल्तान पहुँच गया, गलियों का शहर है, पूरा शहर गलियों से भरा हुआ है। अभी तक पाकिस्तान में जितने भी गली हैं उनमें से अक्सरियत मुल्तान में है।